नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। इससे पहले हम मुख्य खबरों की तरफ रुख करें, हम आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण घोषणा की ओर आकर्षित करना चाहेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स अब 26 मई की जगह 16 जून को होंगे। नई डेट्स के अनुरूप अभ्यास प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज की डेट्स में बदलाव किए गए हैं। अभ्यास प्रीलिम्स की नई डेट्स 21 अप्रैल, 12 मई और 26 मई होंगी। अब चलिए चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। इसरो ने पुष्पक नामक रियूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV-LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। केंद्र सरकार ने सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 के कथित उल्लंघन पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के सरोगेट विज्ञापनों पर एडवाइजरी जारी की। लैंसेट के ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज अध्ययन के अनुसार 1950 के बाद कुल प्रजनन दर यानी TFR में वैश्विक स्तर पर गिरावट दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रॉफिट्स एंड पॉवर्टी द इकोनॉमिक्स ऑफ पोस्ट लेबर रिपोर्ट जारी की। चौथी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर GEM 2024 रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। इसरो ने पुष्पक नामक रियूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV-LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। RLV-LEX-02 इसरो द्वारा RLV-TD कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले प्रयोगों की श्रृंखलाओं का दूसरा प्रयोग है। RLV-TD से आशय है फिर से उपयोग में लाए जाने योग्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन यानी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन। आपको बता दें कि RLV-LEX-02 के इस परीक्षण ने अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर लौटने वाले प्रक्षेपण यान के उच्च गति युक्त ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों की पुनर्पुष्टि की है। इस परीक्षण में RLV-LEX-01 में प्रयोग किए जा चुके विंग्ड बॉडी और ऑल फ्लाइट सिस्टम्स का पुनः उपयोग किया गया था। गौरतलब है कि इसके पहले 2023 में RLV-LEX-01 मिशन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया था। RLV-TD कार्यक्रम का उद्देश्य पूरी तरह से दोबारा उपयोग होने वाले प्रक्षेपण यान के लिए आवश्यक तकनीकों का विकास करना है। यह कम लागत पर अंतरिक्ष में उपग्रहों का प्रक्षेपण संभव बनाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि RLV वास्तव में लो लिफ्ट टू ड्रैग अनुपात वाला एक अंतरिक्ष विमान है। यह पेलोड को निम्न भूकक्षाओं में स्थापित कर वापस पृथ्वी पर लौट आता है। इससे भविष्य में भी इस यान का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस यान को उन्नत बनाकर भारत के दोबारा उपयोग होने वाले दो चरणीय कक्षीय यानी टू स्टेज टू ऑर्बिट TSTO प्रक्षेपण यान के पहले चरण के रूप में विकसित किया जाएगा। गौरतलब है कि NASA लंबे समय से RLV का उपयोग कर रहा है। यहां तक कि SpaceX जैसी निजी अंतरिक्ष एजेंसियां भी आंशिक रूप से दोबारा उपयोग होने वाले प्रक्षेपण प्रणाली का प्रदर्शन कर रही हैं। इसके लाभ की बात करें तो RLV को अंतरिक्ष तक पहुंचने का वहनीय, विश्वसनीय और मांग पर उपलब्ध साधन माना जाता है। चलिए अब प्रमुख चुनौतियों के बारे में जान लेते हैं। विशेष मिश्र धातु कंपोजिट और इंसुलेशन जैसी सामग्रियों का चयन चुनौतीपूर्ण है। इसके अलग अलग भागों की क्राफ्टिंग करना बहुत जटिल है। इसके अलावा इस प्रणाली के लिए अत्यधिक कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है। आइए अब बढ़ते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियम अधिनियम 2021 के कथित उल्लंघन पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी। यह अधिनियम सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART क्लिनिकों और ART बैंकों को विनियमित करने के लिए बनाया गया है। साथ ही यह उन प्रौद्योगिकी का पर्यवेक्षण करने, प्रौद्योगिकी सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने, सुरक्षित एवं नैतिक व्यवसाय अपनाने आदि पर भी लक्षित है। इस अधिनियम के अनुसार ART में वे सभी तकनीकें शामिल हैं जिनमें गर्भावस्था को प्राप्त करने के प्रयास में शुक्राणु या डिम्बाणु जन कोशिका यानी अपरिपक्व अंड कोशिका को मानव शरीर के बाहर प्रबंधित किया जाता है। फिर किसी महिला की प्रजनन प्रणाली में युग्मक यानी गैमेट या भ्रूण को प्रत्यारोपित किया जाता है।
चलिए अब एआरटी के सामान्य विधियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ की। इस प्रक्रिया में महिला के अंडाणु को पुरुष के शुक्राणु के साथ एक प्रयोगशाला में निषेचित कराया जाता है। इसके बाद निषेचित भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। युग्मक या गैमेट दान, दरअसल माता पिता बनने की इच्छा रखने वाले दंपति को बच्चा पैदा करने में मदद करने के लिए किसी और के अंडाणु, शुक्राणु या भ्रूण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गर्भावधि सरोगेसी प्रक्रिया में माता पिता बनने की इच्छा रखने वाले दंपति या दान करने वाले के अंडाणु और शुक्राणु का उपयोग किया जाता है। इनके द्वारा आईवीएफ तकनीक के माध्यम से भ्रूण तैयार किया जाता है। इसके बाद उस भ्रूण को सरोगेट माता के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। चलिए अब अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। इनमें से पहला है स्थापित शासी निकाय। इस अधिनियम में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। दूसरा है इकाइयों का पंजीकरण। नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक्स एंड क्लिनिक्स ऑफ इंडिया के तहत प्रत्येक एआरटी क्लिनिक और बैंक के पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अलावा लाभार्थी के लिए पात्रता, इसमें 21 वर्ष से 50 वर्ष के बीच की महिलाएं शामिल हैं। पुरुषों के लिए ऊपरी आयु सीमा 55 वर्ष है। और अंत में दानकर्ता के लिए पात्रता, इसमें 23 वर्ष से 35 वर्ष के बीच की महिलाएं शामिल हैं। पुरुषों के लिए यह सीमा 21 से 55 वर्ष है। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के सरोगेट विज्ञापनों पर एडवाइजरी जारी की। आइए सबसे पहले एडवाइजरी के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को सरोगेट विज्ञापनों सहित किसी भी रूप में ऑफशोर ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देने से बचना चाहिए। गौरतलब है कि सरोगेट विज्ञापन एक ऐसे उत्पाद का विज्ञापन करने की रणनीति है जिसका प्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि ऐसे उत्पादों के विज्ञापन कानून द्वारा प्रतिबंधित या निषिद्ध होते हैं, जैसे किंगफिशर बियर की जगह किंगफिशर ब्रांड का सोडा बेचने का विज्ञापन करना। इसके साथ ही ऑनलाइन विज्ञापन मध्यवर्तियों को सलाह दी गई है कि वे भारतीय लोगों को लक्षित करने वाले बेटिंग और गैम्बलिंग कंटेंट ना दिखाएं। आपको बता दें कि एडवाइजरी का अनुपालन न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं बेटिंग और गैम्बलिंग पर पहले के विनियमन प्रावधानों के बारे में। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में कुछ प्रावधान शामिल किए गए हैं। इन नियमों में बच्चों को लक्षित करने वाले स्पष्ट डिस्क्लेमर्स और विज्ञापनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत मध्यवर्तियों को छूट दी गई है। हालांकि अधिसूचना जारी होने पर उन्हें अनिवार्य रूप से गैर कानूनी कंटेंट हटाना होगा। इसके साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मध्यवर्तियों को अवैध विज्ञापन हटाने का आदेश दे सकता है। और अंत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत विज्ञापनों में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले हितधारकों के खिलाफ कार्रवाई करने का उपबंध किया गया है। चलिए अब कुछ मुख्य चिंताओं के बारे में जान लेते हैं। व्यसनी यानी एडिक्टिव व्यवहार, सामाजिक अलगाव और उभरते साइबर अपराध के खतरे मुख्य चिंताएं हैं। इसके अलावा विनियामक प्रावधानों में अस्पष्टता है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर हमले के खतरे संबंधी चिंताएं भी मौजूद हैं। आइए अब ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए आगे की राह के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सख्त निगरानी और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाने चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए। सेलिब्रिटी को जागरूक करना चाहिए और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार के लिए साझेदारी की जानी चाहिए। चलिए अब आखिर में बेटिंग और गैम्बलिंग के लिए कानूनी प्रावधानों के बारे में जान लेते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 34 में राज्यों को बेटिंग और गैम्बलिंग के विनियमन का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, लॉटरी विनियमन अधिनियम 1998 और फेमा 1999 गैम्बलिंग व इससे अर्जित आय को नियंत्रित करने वाले केंद्रीय कानून हैं।
इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ऑनलाइन मनी गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर वस्तु एवं सेवा कर GST लगाया है। चलिए अब बात करते हैं अगली मुख्य खबर के बारे में। लैंसेट के ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज अध्ययन के अनुसार 1950 के बाद कुल प्रजनन दर यानी TFR में वैश्विक स्तर पर गिरावट दर्ज की गई। शुरुआत करते हैं अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालकर। वैश्विक कुल प्रजनन दर 1950 में 4.84 थी, यह 2021 में कम होकर 2.23 रह गई थी। इस तरह 1950 से 2021 के बीच TFR में 50% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक TFR कम होकर 2050 में 1.83 और 2100 में 1.59 हो जाने का अनुमान है। 1950 से 2021 के बीच 47 देशों में प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से नीचे थी। भारत की कुल प्रजनन दर 1950 में 6.8 और 2021 में 1.91 थी। इसके 2050 और 2100 में कम होकर क्रमशः 1.29 एवं 1.04 हो जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं प्रजनन दर में गिरावट के कुछ मुख्य कारणों के बारे में। इसके लिए दो प्राथमिक कारण जिम्मेदार हैं। पहला है आधुनिक गर्भ निरोधकों तक पहुंच में वृद्धि और दूसरा है महिला शिक्षा। चलिए अब प्रजनन दर में गिरावट के प्रभावों पर भी एक नजर डालते हैं। इससे आबादी की आयु संरचना में बदलाव आएगा। बढ़ती बुजुर्ग आबादी के साथ साथ कामकाजी आबादी और श्रम बल में गिरावट की वजह से ऐसा होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक व्यवस्थाओं पर बोझ बढ़ सकता है। भविष्य में कम आबादी वैश्विक खाद्य प्रणालियों, पर्यावरण और अन्य सीमित संसाधनों पर दबाव को कम कर सकती है। और अंत में निम्न TFR से परिवार में महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होती है। नीतिगत सुझावों की बात करें तो जन्म दर बढ़ाने वाली नीतियां लागू की जानी चाहिए। ऐसी नीतियों में बच्चे के जन्म पर नकद अंतरण और कर छूट आदि शामिल होने चाहिए। इसके साथ ही आधुनिक गर्भ निरोधकों तक पहुंच और महिला शिक्षा में तीव्र वृद्धि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में निवेश किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि प्रतिस्थापन दर जनसंख्या की पूरी एक पीढ़ी के प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक न्यूनतम दर है। इसमें प्रवासन को शामिल नहीं किया जाता है। आमतौर पर न्यूनतम 2.1 की कुल प्रजनन दर यानी TFR को प्रतिस्थापन स्तर माना जाता है। कुल प्रजनन दर की बात करें तो यह महिला के प्रजनन काल 15 से 49 वर्ष की पूरी अवधि के दौरान उससे जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रॉफिट्स एंड पॉवर्टी द इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स्ड लेबर रिपोर्ट जारी की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ILO के फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1930 में जबरन श्रम या फोर्स्ड लेबर को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति से दंड के रूप में इस तरह के सभी कार्य या सेवा कराना जिसे करने के लिए वह व्यक्ति स्वेच्छा से तैयार नहीं हुआ है। आइए अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। 2021 में दुनिया भर में 27.6 मिलियन लोग जबरन मजदूरी कर रहे थे। इसके अलावा 2014 के बाद से जबरन मजदूरी से होने वाले अवैध लाभ से अर्जित कुल राशि में 37% की वृद्धि दर्ज की गई है। गौरतलब है कि भारत में ईंट भट्टा उद्योग, कालीन बुनाई उद्योग जैसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बंधुआ मजदूर नियोजित हैं। जबरन श्रम के लिए जिम्मेदार कारकों की बात करें तो इसमें दो पक्ष शामिल हैं। पहला है आपूर्ति पक्ष। इसमें कई कारण शामिल हैं जैसे गरीबी, नस्ल या लैंगिक आधार पर अलग पहचान, भेदभाव और रोजगार की सुरक्षा नहीं होना, जैसे कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। दूसरा पक्ष है मांग पक्ष। इसमें दो कारक हैं। पहला है आउटसोर्सिंग। इसकी वजह से श्रम मानकों का पालन करने की जिम्मेदारी अलग अलग संगठनों में बढ़ जाती है। इससे निरीक्षण और जवाबदेही तय करना बहुत कठिन हो जाता है। और दूसरा है कॉरपोरेट प्रभुत्व। इसकी वजह से अधिकार और मूल्य कॉरपोरेट में ही केंद्रित हो जाते हैं। इससे श्रमिकों को संतोषजनक पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है।
जबरन श्रम को रोकने के लिए की गई पहलों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। फोर्स लेबर कन्वेंशन 1930 के लिए 2014 का आईलो प्रोटोकॉल और फोर्स लेबर सप्लीमेंट्री मेजर्स रिकमेंडेशन 2014 जारी किए गए हैं। भारत की पहलों की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 भी लागू किया गया है। चलिए अब रुख करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। चौथी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर यानी GEM 2024 रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट UNITAR के सस्टेनेबल साइकिल्स प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU और फाउंडेशन कार्मिगनेक के साथ साझेदारी में तैयार की गई है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान यानी UNITAR उज्जवल भविष्य को आकार देने के लिए वैश्विक निर्णय प्रक्रिया को बेहतर करने और देश स्तरीय कार्रवाई का समर्थन करता है। इसके लिए यह व्यक्तियों, संगठनों और संस्थानों को नवीन लर्निंग समाधान प्रदान करता है। आइए अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। रिकॉर्ड ई अपशिष्ट उत्पादन 2022 में 62 मिलियन टन ई अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था। यह 2010 में उत्पन्न हुए ई अपशिष्ट से 82% अधिक था। इसके 2030 तक 32% बढ़कर 82 मिलियन टन होने की संभावना है। पुनर्चक्रण में अंतराल की बात करें तो दुर्लभ मृदा तत्वों यानी रेयर अर्थ एलिमेंट की मांग का केवल 1% ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण से पूरा होता है। आपको बता दें कि जितने ई अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जा रहा है उसकी तुलना में 5 गुना तेजी से ई अपशिष्ट उत्पन्न हो रहा है। भारत की स्थिति की बात करें तो यह विश्व के उन देशों में से एक है जहां सर्वाधिक ई अपशिष्ट उत्पन्न होता है। भारत में 2022 में 4,137 मिलियन किलोग्राम ई अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था। चलिए अब भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों को ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की जगह जारी किया गया है। इसके साथ ही इन नियमों का प्रबंधन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी EPR अवधारणा ई अपशिष्ट नियम 2011 में प्रस्तुत की गई थी। ये नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। गौरतलब है कि ई अपशिष्ट वे सभी तरह के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी EEE एवं उनके हिस्से होते हैं जिन्हें उनके उपयोगकर्ता फिर से उपयोग नहीं करते हैं और अपशिष्ट के रूप में उन्हें फेंक देते हैं, जैसे पुराने और अनुपयोगी हो चुके मोबाइल, TV आदि। ई अपशिष्ट में विषाक्त पदार्थ होते हैं। इनसे सीसा, पारा जैसे जहरीले तत्वों का वातावरण में प्रवेश हो सकता है। इसके साथ ही यह नवजात शिशुओं में विकार, फेफड़ों और श्वसन प्रणाली में समस्या आदि का कारण बन सकता है। प्रबंधन संबंधी मुद्दे, इनमें रिपेयरिंग के सीमित विकल्प, उत्पाद की छोटी उपयोग अवधि, अपर्याप्त ई अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना आदि शामिल है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है पापुआ न्यू गिनी। इस देश की राजधानी है पोर्ट मोरिसबी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में दो संघर्षरत समूहों योपो अलायंस और पालिनो अलायंस ने एक संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अब यहाँ भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जान लेते हैं। यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसके अलावा इसमें न्यू गिनी का पूर्वी हिस्सा भी शामिल है। न्यू गिनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इसमें बिस्मार्क द्वीप समूह, बोगेनविले और बुका तथा अन्य छोटे द्वीप शामिल हैं। बुका सोलोमन द्वीप श्रृंखला का हिस्सा है। यह भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण से टोरेस जल डमरू मध्य तक फैला हुआ है। इसके साथ ही यह कोरल सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। इसके पश्चिम में इंडोनेशिया, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व में सोलोमन द्वीप अवस्थित है।
भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के निकट अवस्थित है। इसका उच्चतम बिंदु बिस्मार्क रेंज में माउंट विल्हेम है। मुख्य नदियों में सेपिक, रामू, फ्लाई आदि नदियां शामिल हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुख करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। IMG ट्राइलेट एक संयुक्त समुद्री सैन्य अभ्यास है। इसमें भारत, मोजाम्बिक व तंजानिया शामिल हैं। IMG ट्राइलेट सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण अक्टूबर 2022 में आयोजित किया गया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस यानी UFC मॉडल की आलोचना की है। यह मॉडल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का विरोध करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भाषानेट पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की अवधारणा पर आधारित है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC ने नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI के सहयोग से विकसित किया है। भारत ने ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत की है। इसके तहत भारत हैती से अपने नागरिकों को निकालकर डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत 12 भारतीय लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। एक अध्ययन से पता चला है कि मछली पकड़ने के उपकरणों में फंसने के बाद मादा राइट व्हेल कभी प्रजनन नहीं कर पाती है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU ने भारत को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना है। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र यानी JNCASR के वैज्ञानिकों ने अग्नियाशय की कार्य प्रणाली की नकल करने वाली रेशम आधारित एक नई हाइड्रोजेल प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली डायबिटीज के उपचार हेतु शरीर में बेहतर तरीके से इंसुलिन डिलीवर कर सकती है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ANAGRA NINF परियोजना के लिए फंड प्रदान करता है। ANAGRA NINF से तात्पर्य है डेवलपमेंट ऑफ ए नोवेल क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।